सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि सर बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं सर फी कितना लगता है, कैसे एडमिशन होगा, क्या री एडमिशन चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं। देखिए आप बहुत सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, हर एक का आंसर हम देंगे, सलीके से आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे आपका अपने को या आपको अपना बेस्ट स्कूल मिल सकता है। पटना बिहार का मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अगर पहली बार हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन यानी घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा। आज हम बात करने वाले बहुत सारे कमेंट्स और क्वेरीज के बारे में। हमारे वीडियोस थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमारे वीडियोस अब बैक टू बैक आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। अब ये बात उठ के आता है सर 11th क्लास के मिशन एडमिशन के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं सर DPS का हो गया तो सारे स्कूल का हो गया है क्या? फॉर एग्जांपल और फॉर योर सेक इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू रिवील यू द ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिशन एडमिशन 2022 फॉर 11th क्लास। 11th क्लास के जितने भी बेस्ट स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल लोयला, संत माइकल, नोटर डेम अकेडमी, माउंट कार्मल, सन जेवियर, सन जोसेफ अकेडमी, डॉन बॉस्को अकेडमी, DAVBSUB कॉलोनी, इच एंड एवरी बोर्ड्स के एग्जाम के बाद ही अपने नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन उनकी तैयारी पहले से ही हमारे चैनल्स पर चेक कराई जा रही है। अगर आपने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप इनरोल ले सकते हैं हमारे कोर्सेज में। फॉर 11th क्लास के लिए, बच्चों के लिए है, स्पेशली फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट हु आर गोइंग टू टेक गुड एडमिशन टेकिंग एडमिशन इन द पटनाज बेस्ट स्कूल। अब बात ये निकल के आती है कि बहुत से पेरेंट्स का या बहुत से गार्जियंस का ये सवाल रहता है कि सर एडमिशन्स कोई स्कूल पहले और बाद में कैसे निकाल देते हैं। तो पहला सवाल का आंसर ये है कि स्कूल्स पे डिपेंड करता है, स्कूल अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपने एडमिशन्स पहले निकाल रहे हैं या बाद में। DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपने एडमिशन्स डिटेल पहले ही निकाल दिए थे 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। उसके बाद जितने भी टॉप स्कूल्स आप जानते हो पटना के, वो अपने एडमिशन डिटेल्स जनरली और हो ही सकता है या होगा ही बोर्ड्स एग्जाम यानी 26 मई के बाद ही निकालेंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हमारे चैनल पर जानकारी आपको देने की सहूलियत या सच्चाई से देने का प्रयास किया जाता है और किया जाता रहेगा। अब आप ये है कि सर क्या क्या सवाल पूछे आते हैं, तो आपके सिक्के में बताना चाहता हूँ कि जितने भी बेस्ट स्कूल से पटना के उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। हम लोगों की टीम बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, हमारे चलते बहुत से बच्चों का एडमिशन पटना के टॉप स्कूल्स में हो चुका है, जिसको आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो इन LKG मिशन एडमिशंस। और इस बार भी हम बहुत अच्छा सीरीज लेके आने वाले हैं अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनका एडमिशन पटना के बेस्ट स्कूल में हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप YouTube पर देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज इनरोलमेंट ले सकते हो। आप 11th क्लास का इनरोलमेंट अभी चल रहा है, पूरे बिहार से बच्चे इनरोलमेंट ले रहे हैं, आप भी इनरोल कर सकते हो दिए गए नंबर पे कॉल करके। बैक टू बैक हमसे आप बात कर सकते हो, सर जी की टीम से बात कर सकते हो, आप हमसे भी बात कर सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं अपने एक और जानदार और शानदार वीडियो के साथ। तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हैप्पी रामनवमी। Journey of your life and may God bless you.